महाभारत महाभारत। अथ श्री महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब तो वासुदेव कृष्ण भी पधार चुके हैं, इसलिए यदि मत्स्य नरेश आज्ञा दें तो हम लोग कौरवों के विरुद्ध होने वाले युद्ध की योजना पर परामर्श आरंभ करें। युद्ध? अभी से युद्ध के प्रश्न पर विचार करना तो उचित नहीं लगता। ये आप क्या कह रहे मधुसूदन? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं दृष्टद्युम्न। हाँ, कुछ कहने जा अवश्य रहा हूं। मैं भी कौरवों और पांडवों का इतिहास जानता हूं। जानता हूं कि गंधार नरेश शकुनी ने द्यूत में कैसा और कितना कपट किया, और यह भी जानता हूं कि उस कपट के कारण धर्मराज युधिष्ठिर क्या क्या हारे। वनवास की कथा भी जानता हूं और अज्ञातवास का इतिहास भी। वे पांडव जो यदि चाहें तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही को जीत लें, केवल अपने पण की मर्यादा को संभाले चुपचाप वन वन भटकते रहे। और 13वां वर्ष तो उन्होंने स्वयं मत्स्य नरेश के राजभवन में दासों जैसा व्यतीत किया। मैं ये सब कुछ जानता हूं दृष्टद्युम्न। और आप फिर भी युद्ध को उचित नहीं समझते वासुदेव? युद्ध तो अंतिम चयन होता है राजकुमार। Oh
सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। पांचों पांडव वन वन भटके, पांचों पांडव वन वन भटके, संग द्रौपदी नार साधो समय बड़ा बलवान। सब दिन होत न एक समान। राजमहल में रहने वाले रेशम पर जो चलने वाले, अपने हाथों कुटी बनाते कर्मों की गति टाल न पाते। क्या क्या लेख लिखे भगवान, क्या क्या लेख लिखे भगवान। सब दिन होत न एक समान।